एक ये दूसरा पॉइंट है, और अभी फिलहाल यहाँ उतर चुके हैं। हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत ज्यादा हवा है, और एक बार हम जो पानी है ना ये साइड में जो बह रहा है, ये जो बह रहा है, इस पानी पे जाके दिखाते हैं। मतलब एक आधे आगे से रास्ता है, काफी सारे लोग जो उतरे हुए हैं नीचे, तो वहाँ सामने गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी, तो इसलिए गाड़ी को आगे लगाया है, पार्क किया है, और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे जाएंगे। तो देखते हैं, चलो दिखाते हैं, बहुत ही एडवेंचरियस जगह है। हालांकि हम वहां से भी उतर सकते थे क्योंकि हमारे पास रोप थी, रस्सी थी काफी बड़ी, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लेना ऐसी जगह पे ठीक नहीं है। तो एक बार चलते हैं नीचे, दिखाते हैं आपको। तो देखिए अभी यहाँ जाते हैं, और जो रास्ता है ना बहुत ही सक्रिय रास्ता है, अब थोड़ा सेफ्टी से जाना पड़ेगा। तो वहां से सही है, लेकिन हम यहाँ से भी जा सकते हैं इजीली। वो काफी दूर है। ना ऐसे, अच्छा धीरे धीरे चलो ना, ऐसे चलो बैठ के, आ जाओ। यहाँ से ना बहुत ही सेफ्टी से उतरना हो रहा है, वो भी बैठ के, क्योंकि जो यहाँ पे ना कुछ ढलान है, तो एट लास्ट आराम से भाई, बहुत ही मस्त जगह है, एक नंबर की जगह है। मतलब यही एडवेंचर है, अगर आप आते हैं ना इस जगह, ऐसी जगह पे नहीं रुकते तो यू नॉट डूइंग एनी एडवेंचर। ये अच्छा ओके, यहाँ पे चिकनी मिट्टी है, तो थोड़ा सा ध्यान से, तो इधर चलते हैं। इधर बहुत ही मतलब मजेदार जगह है, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग जगह है ये, और थोड़ा सा ध्यान से चलना होगा। तो एक बार दिखाते हैं आपको, पानी भी एक बार चेक करते हैं। एकदम ठंडा पानी है, और बहुत ही क्रिस्टल वाटर है, बहुत ज्यादा बिल्कुल क्लियर है, उधर से बिल्कुल नीला पानी है। मतलब बहुत ही अमेजिंग जगह है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक बार, बहुत ही मस्त जगह रहने वाली है। मतलब यार क्या कहे, मतलब जिंदगी, मतलब यहाँ के ना पता लग रहा है कैसी जगह है कैसी नहीं है, और सच में बहुत अच्छी है। अगर आते हो ना तो इस स्पॉट पॉइंट पर जरूर रुकें, और ये पड़ता है आपका, जैसे मंडी जाते हैं ना तो मंडी और कुल्लू के बीच में पड़ता है, और ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ है इनके पास में ये पड़ता है, और मतलब यस, मतलब आप कह सकते हो बहुत ज्यादा क्राउड है उधर की साइड। एक बार जाऊंगा और वहां पे बहुत क्राउड है, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पत्थर हैं आगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे पत्थर हैं, और हो सकता है कि ये जो पानी है ना, जब गर्मियों में, क्योंकि अभी सर्दियां है तो सर्दियों में बर्फ जम जाती है, तो ये पानी वहां तक अच्छे से बिल्कुल बहता होगा, पूरा ये जो एरिया है पूरा कवर हो जाता होगा। और क्योंकि देखिए पानी के जो निशान है वो यहाँ क्लियर दिख रहे हैं आपको, मतलब अच्छी जगह है, जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ही क्रिस्टल वाटर है, एकदम से क्लीन वाटर है। यार क्या ही कहना, मतलब यहाँ आने के बाद ना बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। और एक वहां से ना देखिए अमेजिंग जो बात है ना, वहां से एक झरना बह रहा है बहुत ही अच्छा, मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
वहां से एक झरना बह रहा है, बहुत ही अच्छा झरना है वो, और बहुत सारे ना खजूर के जो पेड़ है, देखिए यहाँ पे लाइन से कितने सारे खजूर के पेड़ लगे हुए, बहुत सारे वहां से वहां तक। और इधर से रोड है, ये देखिए यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन कोई गाड़ी जाएगी तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो गई, देखिए बस आ रही है, कभी बस दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से एक रोड है और बिल्कुल जो पहाड़ है ना, पहाड़ की जड़ में से रोड जा रहा है, बिल्कुल मतलब पहाड़ के सटके। और देखिए यहाँ पे ना रॉक फॉलिंग का बहुत ही खतरा है, हालांकि यहाँ पे चेतावनी का जो बोर्ड है, वार्निंग बोर्ड भी दिया हुआ है कि अपनी जो कार है वो यहाँ से बिल्कुल सावधानी से चलाए, क्योंकि जो पत्थर है वो ना यूजुअली गिरते रहते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम होता है, तो बारिश के टाइम पे जो रॉक फॉल है वो यूजुअली होता ही है। तो देखिए जैसे ये बस जा रही है, तो यहाँ पे जब भी आते हैं ना, तो आप गाड़ी को बहुत ही सेफ्टी से चलाएं, जो भी प्रिकॉशंस होती हैं इस चीज के लिए, तो वो और धीरे धीरे ना चलाएं, थोड़ा सा स्पीडली आपकी गाड़ी यहाँ से निकल जाती है तो वो वेल एंड गुड रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। बाकी मतलब जगह बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ जगह पे। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं ना, तो वहां पे वो जो कार है उसी के पास में, ये जो कार है ये इसी के पास में हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और फिर उधर से उतर के आए हैं। तो आपको ना यहाँ से रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है कि शॉर्टकट के चक्कर में आप यहाँ से उतर जाएं, तो यहाँ से बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। ये चीजें है ना, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये आपको बहुत ही ध्यान से इन प्रिकॉशंस का ये चीज मतलब इन चीजों का ध्यान रखना होता है। बहुत ही मजा आया, बहुत ही। ये यहाँ पे काफी सारे लोग बाग हैं जो पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, और देखिए बहुत ही अमेजिंग जगह है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप आते हैं ना यहाँ पे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए यहाँ पत्थरों पे भी ना चलना थोड़ा सा मतलब क्या ही बोलूं, बहुत अमेजिंग जगह है, बहुत बहुत ही। और एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या क्या दिखाते हैं एक बार आपको। इस तरह से यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं काफी सारे, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे ये पत्थर है यहाँ पे, और ये देखिए कितना अच्छा है ये वाला पत्थर, देखिए मतलब एकदम चौकोर पत्थर है, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है थोड़ा सामने, मतलब बारिश नहीं थी, जाना है कोई इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन यहाँ पर रुकना मतलब सक्सेस हो गया हमारा रुकना ना, ऐसा नहीं है कि नहीं। और थोड़ा एक बार आगे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ओ माय, मतलब बारिश का मौसम है, यानी कि देखिए बादल यहाँ पे गरजना स्टार्ट हो चुके हैं, और लगातार 2-3 दिनों से मनाली में तो वेदर ऐसे ही है, और यूजुअली स्नोफॉल भी अच्छी खासी हो रही है। तो ये जगह पूरी रहने वाली है, देखिए ये यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो गलत चीज लगती है ना वो ये देखिए, जैसे पिन्नी है, ये पिन्नी है। हमें अपनी चीजों को देखिए, ये नेचुरल ब्यूटी है, इसको ना नेचुरल रहने ही देना चाहिए, और इस तरह की अगर चीजें करते हैं तो नेचर के लिए तो बैड होते ही, वो हमारे लिए भी गलत है। तभी तो कहते हैं कि बारिश के टाइम पे बारिश नहीं आती, और जब बारिश आती है तो इतनी आती है कि बाढ़ के जो चांसेस है वो हो जाते हैं, और बाढ़ आती भी है यूजुअली, काफी टाइम से आपने नोटिस भी किया होगा। पर यस, जगह बहुत अच्छी है। मतलब सच में आज का जो टूर है ना, ये जो टूर है बहुत ही अच्छा टूर है। मेरी थोड़ी सी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो ये चीजें सब मतलब यस वी एंजॉयिंग एक्चुअली। Thank you.